आप मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई अच्छा चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और अच्छा आप लोग मुझे 72 हूरे लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की। मेन वीडियो, इतना वीडियो स्किप करो और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचो। तो आरजू काजमी आप जानते हैं भारत में काफ़ी फेमस है, और इन मौलाना को अभी आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया में ये काफ़ी आया करते थे और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद इन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसको आपने अगर सुना हो कि मतलब फिर से हम बनाएंगे तोड़ेंगे मंदिर, इस तरीके की बात इन्होंने की थी। तो इन मौलानाओं को, इस मौलाना का वीडियो देखिए, काफ़ी इंटरटेनिंग है और 72 हूर और बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे हैं आरजू मैम ने। और इस मौलाना ने मोहम्मद बिन सलमान को आप देखेंगे आगे यहूदी बता दिया है। अब मैंने आपको बताया कई बार कि अरबों को लेकर एक खास तरीके का हेट है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में, स्पेशली जो मौलानाओं के द्वारा फैलाया गया है। तो आप देखेंगे उसका एग्जाम्पल यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर। नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि बहुत हमारे यहाँ तबलीग की जाती है, जबरदस्ती की तबलीग मुसलमान कर रहे हैं किसी को, तो जिसको भी करते हैं चाहे वो किसी भी मजहब का, उनके मजहब वाले मारने के लिए नहीं आ जाते अगर कोई मुसलमान हो जाए। लेकिन इस्लाम में अगर कोई इस्लाम छोड़ना चाहे और किसी और रिलीजन में जाना चाहे, या कहीं भी ना जाना चाहे, ओके बस मैंने आज से कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो हमारे यहाँ सब उठ जाते हैं मारने के लिए कि नहीं जी ये तो इसको तो मार देना चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह की कई चीजें जो है निकाल रखी हैं। ऐसा क्यों है? इस्लाम ने वो आजादी क्यों नहीं दी है कि कोई इसमें से निकल भी सकता है, जब आ सकता है तो जाने भी दीजिए। कौन कहता है इस्लाम में आजादी नहीं थी? इस्लाम ये कुरान ये कहता है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का मतलब ये है कि जैसे मैं अपने मुल्क की बात करूं हिंदुस्तान में, जैसे हर आदमी को दीन इस्लाम से बहकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम किए हैं वो दीन से हटकर है, कुरान से हटकर है, नबी की जिंदगी से हटकर है। मुझे इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं है, न मैं इस बात से डरता हूँ कि शायद, चूंकि ये मैं वीडियो आप जाहिर बात है तमाम आपका सोशल साइट पर जाएगी, तो मैं बिल्कुल दो टोक की बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो दीन से हटकर हैं। और मोहम्मद बिन सलमान को अपने वालिद और जितने पहले बादशाह गुजरे हैं उन लोगों की जिंदगी पढ़नी चाहिए कि सऊदी में आज तक ना तो बुरके पर पाबंदी हटी हटी थी, ना शराबखाने कभी खुले थे, ना सिनेमा घर खुले थे। उस आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए जो आदमी मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत देते थे, उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो सकता है? ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो, क्योंकि यहूदी जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे है। यहूदी जो है दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदामालियां पैदा करके, उनके अंदर खराबियां पैदा करके इस तरह की चीजें दीन इस्लाम में लाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये आदमी यहूदी नस्ल से हो, जैसे आपने देखा था ISI का सरगना, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये तो खलीफा खिलाफत की बात करता है, वो कौन था? एक यहूदी था, इलियाट शमून था या है, हम तो ये भी नहीं कह सकते वो मर गया है जिंदा है, वो इलियाट शमून, उसने जो है खिलाफत का दावा किया और उसने मुसलमानों को मारा, अल्लाह हू अकबर कहकर मारा मुसलमानों को। तो मेरा मानना ये है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको अपने दीन पर नजरे सान चाहिए। वो कैसे मुसलमान है जो शराब खानों की इजाजत दें, वो कैसे मुसलमान है जो तवाइफों को नाचने की इजाजत दें, वो कैसे मुसलमान है जो मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दें। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं, ये कुर्बे कयामत की निशानियां हैं कि मदीने के अंदर या मक्के के अंदर सिनेमा घर खुलें, शराब खाने खुलें, जुआ खाने। और मेरे सुनने में ये आया है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, कि वो एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर भी बनवा रहे हैं
जहां इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा वहां वो जमहूरी होगा, यानी वहां आदमी सिर्फ अय्याशी करने जाएगा, हर आदमी वहां अय्याशी करेगा, कोई भी जा सकता है, सऊदी हो, बाहर का हो। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाए। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी, बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है, तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है, सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे, और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों, मतलब ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहां पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। दीन ये है कि अगर अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना दीन है, अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नमाज फला वक्त में ना पढ़ो तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन है, 30 दिन के रोजे रखना ये दीन है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना तो उस दिन रोजा ना भी दीन है। अब समझ लीजिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो दीन जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है, और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, ना पाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे, शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाहे जिंदगी गुजारी है, कुरान चाहे जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है, लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है, जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है, कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि शराब जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए कुरान की मुखालफत कौन सा दीन है, कुरान के खिलाफ अमल करना ये कौन सा दीन है, आप मुझे बता दीजिए। आप भी मुसलमान हैं, अगर आप मुझे इस बात की ताईद कर दें, मुझे बता दें कि नऊज बिल्ला कुरान से अलग कोई जिंदगी दीन हो सकती है, तो मुझे बता दीजिए। हमने तो आज तक ये पढ़ा है किताबों में, और कुरान में भी ये है कि जो कुरान की जिंदगी पर अमल करे, कुरान की बात पर अमल करे, वही दीन है। और हदीस चूंकि कुरान से निकली हुई बात है, यानी अल्लाह के रसूल ने वही फरमाया जो कुरान ने कहा है, हदीस कुरान की तफसीर है, यानी हदीस कुरान का ट्रांसलेट है, तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हदीस को मैं नहीं मानता,
चलिए आप हदीस को नहीं मानते, कुरान को तो मान लीजिए। कुरान में कहा है कि शराब हराम है, कुरान में कहा है जुआ हराम है, कुरान में कहा है फिल्म देखना हराम है, आप तो सिनेमा घर खुलवाने, आप तो शराब पीने की इजाजत दे रहे हैं, तो कौन से मुसलमान हैं भैया? आप मुझे बता दीजिए, आप हदीस को मत मानिए, चलिए नहीं मानिए, कुरान को तो आप मानेंगे। कुरान में कहाँ जायज है शराब, कुरान में कहाँ जायज है जुआ, कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना, कहाँ जायज है मुझे बता दीजिए? कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुरका छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूं क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे, आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 को सच्चा वाकया नहीं है, 9/11 गढ़ा हुआ वाकया है, ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने। और हमने तारीख में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि यहूदी और ईसाइयों ने जब इस्लाम को खत्म करने की पूरी ताकतें लगाई और वो इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए, कुरान के नुस्खे तक उन्होंने जलाने की कोशिश की, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, पाकिस्तान भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आता था, पाकिस्तान भी जब मुत्तहिदा, यूं कहिए कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उस वक्त अंग्रेज ने कुरान के नुस्खे तक जलाने की बात की और जलाए बहुत सारी जगहों पर। जब उन्होंने देखा कि कुरान को जलाने से भी इस्लाम खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये चाल अपनाई कि इस मुसलमानों के अंदर उरियानियत, वहाशी और ऐसी चीजें मुसलमान की जिंदगी में पैदा की जाए ताकि इस्लाम की जो रूह है वो मुसलमान के अंदर से खत्म हो जाए। आज वही हो रहा है, मुसलमान है लेकिन रूह उसके अंदर इस्लाम की नहीं, आज उसके अंदर रूह यहूदी और ईसाइयों की है। आज वो सारे काम कर रहा है जो यहूदी और ईसाई कर रहे हैं, मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है। आज फिर उन्हीं मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मुझे, मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट हूँ मुझे सवाल करने का हक नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। पाकिस्तान में जितनी जिहादी तंजीम है वो क्या जिहाद कर रही है? आप मुझे बता दीजिए, जिहाद मैं की भी तो रूह नहीं आपसे है। नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है, मैं भी यही कह रही हूँ कि गलत कर रही है जो जिहादी